सेंट एंड्रयूज कॉलेज में छात्र छात्राओं के प्रवेश को लेकर मनमानी फीस वसूली किए जाने तथा शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बुधवार को सेंट एंड्रयूज कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान परिसर के सदस्यों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान परिसर के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य जेके लाल के पास पहुंचे तो मांग को लेकर प्राचार्य और छात्रों में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद परिसर के अन्य सदस्य उग्र हो गए। परिसर के सदस्यों को उग्र होता देख प्राचार्य ने परिसर के सदस्यों को कार्यालय से बाहर निकालकर चैनल गेट लॉक कर दिया। इस दौरान उग्र परिसर के सदस्य चैनल गेट को जबरन खोलने का प्रयास करने लगे। इस घटना की सूचना पर SPCT विनय कुमार सिंह पूरे दलबल के साथ कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। परिसर के सदस्यों का कहना है कि सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्राचार्य छात्र छात्राओं के प्रवेश को लेकर उनसे मनमानी धन की वसूली कर रहे हैं, जिससे गरीब छात्र प्रवेश से वंचित हो रहे हैं। परिसर के सदस्यों का कहना है कि जब वो अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य के पास गए तो प्राचार्य ने उनसे अभद्रता कर अपने कक्ष से बाहर कर दिया था। परिसर के सदस्य यहां अपनी 11 सूत्रीय मांग संबंधित ज्ञापन सौंपने आए थे। इस मामले में गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने कॉलेज के प्राचार्य से बातचीत करनी चाही तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिसर के सत्यभान सिंह ने कहा, विद्यार्थी परिषद चाहती है जो 25,000, 50,000, 40,000, 30,000 में जो एडमिशन के नाम पे वसूली होती है वो नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद चाहती है कि यहाँ पढ़ाई का माहौल हो, सभी छात्रों की यहाँ समस्याओं का समाधान हो, शिक्षक छात्रों में संवाद होना चाहिए, सब मिलकर छात्र हित में काम करें, सब लोग जो है यहाँ छात्रों के भविष्य का निर्माण करें, ना कि यहाँ पैसा की धन की उगाही होनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया है, ठीक करेंगे चार काम, प्रवेश परीक्षा शुल्क परिणाम। अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। जो चल रही है उसी के खिलाफ विद्यार्थी परिषद का आंदोलन है कि जो भी यहाँ वही नियम लागू होने चाहिए जो विश्वविद्यालय के अंदर लागू होते हैं, और उसके अलावा अगर यहाँ किसी प्रकार की मनमानी होती है तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता किसी भी सीमा तक जाने के लिए बाध्य होंगे। तरीके से अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, आगे जो होगा वो सब देखेंगे।